केजरीवाल की पार्टी ने मनोहर लाल को पत्र लिख राजनीति में लाया भूचाल। जी हां, आपको बता दें कि महिला जूनियर कोच यौन उत्पीड़न मामले में आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। अनुराग डांडा का कहना है कि मंत्री संदीप सिंह पर महिला उत्पीड़न की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था और 8 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की गई है, तो सीएम मनोहर लाल कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। बता दें कि संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ थाने में यौन उत्पीड़न की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसके बाद 3 महीने तक पुलिस ने आरोपित मंत्री के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की थी। लेकिन हाल ही में 24 अगस्त शुक्रवार को संदीप सिंह के खिलाफ दाखिल की गई, जिसको लेकर आप मंत्री ने अनुराग ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। इसी को लेकर अब आप उपाध्यक्ष अनुराग ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में सामने आया कि संदीप सिंह ने पावर का गलत प्रयोग कर महिला कोच के साथ गलत नियत से दुर्व्यवहार किया। मुख्यमंत्री ने 3 जनवरी 2023 को कहा था कि जांच में आरोपी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। अब संदीप सिंह पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो सीएम अब कार्रवाई क्यों नहीं करते। अनुराग ने सीएम से सवाल किया कि आरोपी पाई जाने पर संदीप सिंह को अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखा हुआ है, जिस पर महिला उत्पीड़न का आरोप हो वो मंत्रिमंडल में कैसे रह सकता है। साथ ही बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी को लेकर शनिवार को भूख हड़ताल की थी। अनुराग का कहना है कि जूनियर कोच उत्पीड़न मामले को लेकर पूरे प्रदेश की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। अगर सीएम मनोहर लाल मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी हर कार्यक्रम में काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। साथ ही कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मंत्री संदीप सिंह को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।